नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। एमबीपीजे डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी के माध्यम से छात्राओं को यौन हिंसा से जुड़े अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। वहीं छात्राओं ने भी वक्ताओं से कई तरह के सवाल पूछे और किस प्रकार वो अपने अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ सकती है इसके बारे में भी जाना। इस मौके पर मौजूद हाईकोर्ट की अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी के साथ CWC मेंबर और विमर्श संस्था के अध्यक्ष कंचन भंडारी ने विस्तार पूर्वक छात्रों से बात की और उन्हें किसी भी अपराध होने से पहले की स्थिति को भापने के साथ उन पर कार्यवाही को लेकर चर्चा की। देखिए, हम जो आज देख रहे हैं, आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है MBPG कॉलेज द्वारा। जो कमी नज़र आई, हम आपने जैसे पॉइंट आउट किया, बच्चों को पता नहीं है हेल्पलाइन नंबर्स, इस सब में हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि इन सारे नंबरों का बहुत ही एक वाइड पब्लिकेशन प्रसार होना चाहिए ताकि बच्चों की नॉलेज में हो कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें पता होगा कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम बहुत मुश्किल से ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, बहुत मुश्किल से करेज आता है। और कोई ऐसा नंबर हो और जिसके बारे में आपको पता हो तो मे बी आप रिपोर्ट कर पाएँ, आप मदद मांग पाए। तो प्राइमरीली ये है। दूसरा, इस जो आज का हमारा एक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा और अवेयरनेस बढ़े और सेंसिटिविटी बढ़े और धीरे धीरे करेज आए बच्चों पर कि वो अपनी चीज़ों के लिए लड़ सके, अपनी चीज़ों को बता सके। आज ये विद्यालय परिसर में एक महिलाओं के कार्य क्षेत्र में यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम है 2013 के तहत, उसमें एक ये गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसके तहत कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो घर से बाहर जाती हैं, वो चाहे वो विद्यार्थी हों या फिर वो महिलाएं हों, क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, चाहे वो कोई टीचर हों या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही हों, जहाँ पर वो काम करती हैं उसके कार्य क्षेत्र में उनको सुरक्षित कैसे माहौल मिले, उसको लेके एक कानून बना है और उसी की जागरूकता के लेके यहाँ पर एक आज कार्यक्रम हुआ है। और इसमें एक तो कानून की जानकारी दी जा रही है जो 2013 में ये कानून बना, उसके साथ ही लड़कियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अन्य जो कार्यक्रम कानून हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे हैं और इनको एक तो हिंसा पर इनकी समझ बने और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेके भी बच्चों की समझ बने। मैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, सारी महिलाएं आज भी हिंसा की शिकार हैं। और अगर वर्किंग महिलाओं की बात करें तो कई बार दोहरे बोझ से रहते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष संवेदनशील नहीं है, काफ़ी पुरुष संवेदनशील भी हैं, पर जो है अपराध जो है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हम जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेज के, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जानकारी दें कि क्या मतलब वो जो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, कई बार वो क्राइम हो जाता है और नादानी में उनको पता भी नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कई बार उसमें ऐसी फिल्में आती हैं कि लड़का लड़की के पीछे जा रहा, पर अगर हम देखें तो वो एक क्राइम है किसी को घूरना किसी को। तो हम इस लेवल पर बच्चों को ये बताना चाहते हैं ताकि वो उनको ये पता चले एक्चुअल में हिंसा है क्या। आज जिस तरह से ज़िंदगी में विकास हो रहा है और हम संचार के साधनों से जुड़ रहे हैं, उतना ही समाज में विकृति आ रही है। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को जागरूक करें। तो इसके लिए महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, जो कि कार्य क्षेत्र महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न निवारण समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें छात्र छात्राओं को उन पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो उनके प्रति और हिंसा न हो, इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए आज हमने यहाँ पर अतिथियों को बुलाया है। तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।